हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सचिव की भर्ती को लेकर। आप सभी के लिए ग्राम सचिव की भर्ती से लेकर एक लेटेस्ट अपडेट, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये काफ़ी बुरी खबर आप सभी के लिए है, कुछ बच्चों के लिए अच्छी भी है, सबका सोचने का अलग अलग नज़रिया है। तो दोस्तों, ये क्या बुरी खबर आई है, क्या इसमें बदलाव हुए हैं? आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ग्राम सचिव की भर्ती वो रीएडवर्टाइज होंगी, और ये जो खुशी की बात है वो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, वैकेंसियाँ उसमें बढ़ने वाली हैं, और बाकी सारी डिटेल के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए HSSC की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी हुई हर तरीके की जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में ग्राम सचिव की वैकेंसियाँ निकली थी और उन वैकेंसियों का अभी तक जो है रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बार बार सरकार की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि हम ये जो वैकेंसियाँ हैं रीएडवर्टाइज करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो दोस्तों, कल हमारी जो कैबिनेट की बैठक थी, CM ने ये बैठक ली थी, तो उसमें कुछ बदलाव किए गए ग्राम सचिव की भर्ती को लेकर, और दोस्तों ये बदलाव आपको चौंका देंगे। सबसे पहला बदलाव तो ये है जिसे जानकर आप खुश होंगे कि दोस्तों इसमें वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया, कम से कम 500 से 400 वैकेंसियाँ इसमें बढ़ने वाली हैं। और जो दूसरी खबर है वो आपके लिए निराशाजनक है। पहले जो बच्चे 10वीं पास थे, जिन्होंने 10वीं की हुई थी, उन सभी बच्चों ने ग्राम सचिव के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। कम से कम ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए, तो आप जब तक स्नातक की डिग्री आपके पास नहीं होगी आप ग्राम सचिव का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप सभी के लिए काफ़ी बुरी खबर है। जो बच्चे ग्रेजुएट है वो सोचते हैं कि सही हुआ है, उनके लिए कुछ कंपटीशन कम होगा, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पास थे उनके लिए काफ़ी निराशा वाली ये बात हो गई है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार का ये फैसला। आप जल्द से जल्द ये फॉर्म रीएडवर्टाइज हो सकते हैं विद इन 1 वीक और विद इन 15 डेज, और वैकेंसियाँ भी इनमें इंक्रीज होंगी, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। HSSC ने काम तेज़ कर दिया है। जिन बच्चों के पास BA है, BSc है, BCom है, या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, प्लस कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वही बच्चा जो है ग्राम सचिव का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो में यही बता रहा था कि आज जो न्यूज़ आई है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है। इसके लिए नोटिस भी जारी हो जाएगा एक दो दिन में कि ग्राम सचिव अब 10वीं पास नहीं बल्कि ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री धारक ही बनेंगे। आप सभी के लिए काफी निराशा वाली ये खबर है। मैं थोड़ा पढ़कर बता देता हूं, पदों की संख्या भी बढ़ेगी, पंचायती राज का डिप्लोमा और IT का ज्ञान भी अनिवार्य योग्यता, 10वीं नहीं BA पास लगेंगे ग्राम सचिव, योग्यता निर्धारित, CM अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। प्रदेश में भविष्य में ग्राम सचिवों की जो भी भर्ती की जाएगी उसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा की बजाय स्नातक होगी, और इसके साथ साथ इसके पद के लिए आवेदकों के पास पंचायती राज के डिप्लोमा के साथ उन्हें IT का ज्ञान भी होना चाहिए। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। तो दोस्तों, समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया। हमारे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी इस मीटिंग में मौजूद थे, तो उनकी सहमति से ही जो है ये कार्य हुआ है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री वो ही हैं हमारे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका फिर भी कोई डाउट है इस रीएडवर्टाइज को लेकर, ग्राम सचिव की भर्ती को लेकर, या और किसी भर्ती को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इसी तरह की वीडियो को जरूर और जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।